नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी दर्शकों का। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और यह परेशानी जो है वो अक्सर हमें देसी बकरी पालकों के साथ देखने मिलती है, क्योंकि समय समय पर इन्हें ब्रीडर जो है वो बदलना चाहिए थे, परंतु कहें तो जानकारी के अभाव के कारण या ब्रीडर ना मिल पाने के कारण ये जो अपना प्रजनक है, ब्रीडर है, वो लगातार रिपीट करते रहते हैं और ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है हर एक किसान के साथ। जो भी बकरी पालन करना चाहते हैं उनके लिए इस बात का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इन ब्रीडिंग क्या होती है। और हम देसी बकरियों का एक उदाहरण लेकर आए हैं। मैं हूँ ग्राम अमाड़ी में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हीरा लाल यादव जी, हम उनके फार्म पर हैं, उनके बकरियों के साथ हैं और मुझे यहाँ पर उन्हीं के द्वारा ये जानकारी का पता चला है, तो मुझे लगा कि इस जानकारी के बारे में आप लोगों के साथ साझा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों तक ये जानकारी लेकर आया हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और हाँ, चैनल पर इतना सारा प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं इन ब्रीडिंग का। इन ब्रीडिंग क्या होती है, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इन ब्रीडिंग जब हम लगातार एक ही वंशावली के बकरों को, जैसे एक नर और मादा के जिससे जो बच्चे मिलते हैं और जो वहाँ पर नर है उन्हीं बच्चों को अगर क्रॉस करता है, फिर जो बच्चे मिलते हैं फिर वो उसी से क्रॉस होते हैं या उसी वंशावली के जो बकरे तैयार होते हैं, है ना, वो उसी के वंशज होते हैं और वो लगातार उन्हीं से वो उनको क्रॉस कराते रहते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार की परेशानियां देखने मिलती हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाता हूं, है ना, और अपन बकरों को देखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या कमी रह जाती है। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर ये बकरा आपको दिखाई दे रहा है, ये बकरा अब इसकी आज जो उम्र होगी वो कम से कम 7 से 8 महीने की उम्र हो चुकी है और ये इन ब्रीडिंग का ही शिकार है। आप देख सकते हैं कि ये इसकी कद काठी थोड़ी सी कम रह गई है दूसरी बकरियों की तुलना पर, या दूसरे जो बकरे हैं उनकी तुलना पर। देखें, मैं दूसरा भी बकरा दिखाता हूं जो कम की उम्र का है और उसमें ग्रोथ लगभग बराबर है। ये जो बकरा आप देख रहे हैं इसकी हाइट आप देखिए और लगभग वजन जो है, ये जो बकरा है ये 4 महीने का है, ये लमसम 7 से 8 महीने का है। तो ये परेशानियां देखने मिलती है बकरियों में अगर हम लगातार इन ब्रीडिंग करते रहते हैं, है ना, इन ब्रीडिंग अगर हम लगातार करते रहते हैं तो यहाँ पर यही सारी समस्याएं हमें देखने मिलती है और खास करके जो देसी बकरी पालक होते हैं वो अक्सर कर जाते हैं। तो सर मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये कितने महीने का हो गया? ये 7 से 8 के करीब है। और ऐसे और कितने बकरे आपको लगातार देखने मिल रहे हैं कि जो जिनकी कद काठी छोटी होती जाती है? बस मुझे केवल एक ही बकरा छोटा लगता है ये, हाँ, बाकी सब ठीक है। और ये जो दोनों बच्चे आपने हमें दिखाए ये दोनों अलग अलग ब्रीडर से बने हैं? दोनों अलग अलग ब्रीडर। और ये आपके घर के पास जो घर में जो बकरा, हाँ, था ये मेरे घर के बकरे से? ये घर के बकरे से। मतलब सर ने जैसे कि हमें बताया था कि सर ने जब बकरियां लाई थी तो उन्हीं से उनका ब्रीडर बना और फिर ये जो संतान है ये घर के इन्हीं के घर के बकरे से है, इसलिए ये प्रॉब्लम देखने मिली। और ये जो बकरा था ये बाहर से ब्रीडर लेकर आए थे आप? तो किसान दोस्तों, आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। ये 4 महीने का बच्चा है ये वाला जो व्हाइट कलर के पैचेस के साथ है, और ये जो है ये 7 से 8 महीने का बच्चा है। तो दोनों में लगभग बॉडी वेट एक सा हो गया है और यही प्रॉब्लम हमें अक्सर किसानों को देखने मिलती है कि वो देसी बकरी पालन में इन सारी बातों को ध्यान नहीं दे पाते हैं और लगातार वो ब्रीडर सेम वंशावली का रिपीट करते रहे। तो ये जो इन ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है इसमें जो मेन हमें समस्याएं देखने मिलती हैं कि बकरों की हाइट का छोटा होना, बकरों की लंबाई का छोटा होना, कद का छोटा होना, और अक्सर हमें ये देखने मिल रहा है कि इनमें जो इम्यूनिटी पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी लगातार घटती चली जाती है। जैसा कि आपने देखा कि 4 से 8 महीने के जो बच्चे हैं उनमें आपने देखा कि दोनों सेम लग रहे हैं और दोनों का वजन लगभग सेम लग रहा है, तो कुछ इस प्रकार से ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और जो बीमारियां हैं वो अक्सर हमें घेरने लगती हैं, बकरियों में देखने मिलती हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, ये देसी बकरी पालन में
अक्सर बीमारियां हमें देखने मिलती हैं जहां पर लोग सजग नहीं होते हैं। तो आप भी अगर आप बकरी पालन में आ रहे हैं तो इन ब्रीडिंग और जो लाइन ब्रीडिंग होती है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और मेरा ये प्रयास है कि जो जो भी किसान भाई हमें देख रहे हैं वो अपने यहाँ पर ब्रीडर लगातार चेंज करते रहें। आप प्रयास करें कि आप अपने झुंड से बदल कर ही ब्रीडर लाएं, किसी दूसरे झुंड का ब्रीडर आप ले सकते हैं या आपके आसपास के गांव में अगर कहीं पर भी ब्रीडर मिल जाता है एक दिन या दो दिन की लिए आप उनको उपयोग कर सकते हैं जब भी ब्रीडिंग सीजन होता है। और आप उसकी जगह पर आप अपने बकरे को किसी और को दे सकते हैं और उनसे अपना बकरा ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग जब करेंगे तो थोड़ा सा नस्ल में सुधार होगा। और अगर मान लीजिए आप अपने यहाँ की जो नस्ल है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड करने के लिए आपको समय समय पर ये ध्यान देना होता है कि जैसे जो योजनाएं चल रही हैं वहाँ पर आप ले सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। और अगर मान लीजिए आप दूसरी नस्ल का जैसे कि अगर देसी बकरियों के साथ आपको क्रॉस कराना है तो सिरोही है, जमुनापारी है, इन नस्लों का भी आप क्या कर सकते हैं बकरा उपयोग कर सकते हैं और ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।